नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। आज हम हैं मध्य प्रदेश के सतना शहर में और आज हम करेंगे चाय पर चर्चा। ये चर्चा उस चाय वाले पर होगी जो चाय वाला देश भर के बाल श्रमिकों के लिए मिसाल बन सकता है। आपने अभी तक कई तरह के बाल श्रमिक देखे होंगे, होटल में, ढाबों में छोटू चाय लाना, छोटू प्लेट ले जाओ। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बाल श्रमिक से मिलाएंगे जो इन सब बाल श्रमिकों से ज़रा हटकर है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एक 9 साल का बच्चा कैसे, जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ को सरकार ने पेंशन देना बंद कर दिया है, तो वो हाथ पे उठा लेता है चाय की केतली और पिछले 4 साल से वह चाय बेच रहा है। आज वो बच्चा रोज़ाना 1000 चाय बेचता है। आपको भी सुन के थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि इतना छोटा बच्चा कैसे 1000 चाय रोज़ बनाता है और बेचता है। इतना ही नहीं, ये बच्चा चाय बनाने के बाद रात को 8 बजे जब घर जाता है तब वह पढ़ाई भी करता है और यह बच्चा स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न पास भी होता है। आखिर इस बच्चे की क्या है दिलचस्प कहानी, क्या है दर्द भरी कहानी, आखिर ये क्यों 9 साल की उम्र में चाय बेचने के लिए मजबूर हुआ, आज हम इसी पर सीधे उसी बच्चे से बात करेंगे और उन ठेले वालों से भी बात करेंगे जिसके पास वो ठेला लगाकर चाय की बिक्री कर रहा है। चलिए आप हमारे साथ चलते हैं, उस बच्चे से करते हैं सीधी मुलाकात। अब हम पहुंच चुके हैं उस बच्चे की दुकान, जो बच्चा दिन भर चाय बेचकर अपना घर चलाता है और पढ़ाई भी करता है। आइए चलते हैं, करते हैं उस बच्चे से सीधी बात। आप देख सकते हैं ये है वो बच्चा, उससे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा, अच्छा ये कब से आप चाय बेच रहे हो? 4 साल से। 4 साल जी। अभी आपकी कितनी उम्र है? 13 साल। 9 साल से आप चाय बेच रहे हो जी। अच्छा, आप पढ़ाई नहीं करते हो? करते हैं। किस क्लास में हो? बैंकटू 9th। 9th क्लास में। अच्छा, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा हमारे नहीं हैं, मम्मी दुकान आती हैं सुबह 4 बजे। और क्या आपकी मम्मी मदद नहीं करती हैं चाय बेचने में आपका? करती हैं ना, सुबह 4 बजे आकर फिर 9 बजे चली जाती हैं। 9 बजे से कितने बजे तक आप बैठते हैं? 8 बजे तक। 8 बजे रात तक जी। आप दिन भर में कितनी चाय बेच लेते हैं? 9 से 1000 तक चाय। अच्छा, आप चाय खुद बनाते भी हो? जी। अच्छा, इस समय आप ये बताइए कि आप यहाँ पे दिन रात के 8 बजे तक काम करते हो, सुबह से लेके 8 बजे तक चाय बनाते हो, तो आप घर में क्या पढ़ाई नहीं करते? करते हैं शाम टाइम। मतलब कब पढ़ते हो? मतलब जब रात 8 बजे ठेले बंद करने के बाद? 10 बजे तक के लिए। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद आप 2 घंटे पढ़ाई करते हो? जी हाँ। आप ये बताओ, आप बनना क्या चाहते हो? पुलिस जी। अच्छा, मतलब आपका जो इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट है वो पुलिस है। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आपने चाय बेचने का ही काम क्यों शुरू किया? आप कोई दूसरा काम के बारे में आपके दिमाग में नहीं आया? नहीं। अच्छा, क्यों आप चाय बेचते हो और कैसी क्या मजबूरी आ गई थी आपको कि आपको चाय के ठेला लगाना पड़ा?
2016 से हमारी मम्मी को इन्वेंशन नहीं मिला था। और अच्छा, आपकी माता जी को निराश्रित पेंशन जो मिलता था वो 2016 से नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपने मतलब चाय बेचने का काम? जी। बेटा, जब आप स्कूल जाते थे तो आपको संकोच नहीं लगता कि आप चाय बेच रहे हो, आपके दोस्त क्या कहेंगे? चाय बेचना तो कोई बुरी बात नहीं है, मोदी जी भी हमारे पहले चाय बेचते थे। अच्छा, आपको पता है कि मोदी जी चाय बेचते थे पहले? जी। आपको बेटा सरकार की ओर से कोई मदद मिली हो? नहीं मिली। आपको सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली? आपकी मम्मा को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? नहीं पता। अच्छा, आपको पता नहीं है ना। आप कितने भाई हो? दो भाई हैं। और दूसरा भाई क्या करता है? दूसरा भाई पेटीज की दुकान लगाता है। वो भी पेटीज का ठेला लगा? जी। वो आपके काम में मदद करता है? हाँ, करता है। तो ये थे अभिषेक मिश्रा, जो बच्चा दिन भर चाय बनाता है और लोगों को चाय बेचता है, और उसके बाद जब रात को घर जाता है तो वो पढ़ाई भी करता है। देखिए, इतनी कम उम्र में ये बच्चा कैसे संघर्ष कर रहा है। अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के आसपास के जो ठेले वाले हैं, मैं उनसे भी बात करूं कि इस बच्चे को कब से देख रहे हैं चाय बनाते हुए। अभी हम अपने कैमरामैन को बोलते हैं कि आप चलिए इधर, हम बात करते हैं। अनिल मिश्रा, आप के ये बगल में जो इस ठेला लगा रहा बच्चा, आप इसको कब से जानते हैं? 4 साल से। अच्छा, ये 4 साल से, मतलब 4 साल से ये चाय बना रहा है? 4 साल। ये खुद चाय बनाता है, खुद बेचता है? जी। और क्या जानते हैं आप इस बच्चे के बारे में? बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने लिखने में तेज है। अच्छा, मतलब ये यहाँ से जाने के बाद घर में पढ़ाई करता है, ये भी आप लोगों को पता है? जी। आपका नाम? अमित प्यासी। अच्छा प्यासी जी, आप इस अभिषेक मिश्रा को जानते हैं? हाँ जी। ये कब से काम कर? ये करीबन 4-5 सालों से है यहाँ पे। तो ये इतनी कम उम्र में चाय बेचने लगा, ऐसा क्यों, क्या इसके पीछे क्या कारण है? आप लोग जानते होंगे आसपास, यहाँ रहते? थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम है, तो दुकान में भी रहता है और साथ में पढ़ाई भी करता है, और पढ़ने लिखने में अच्छा तेज है, फर्स्ट डिवीजन आता है। अखिलेश चौरसिया। अच्छा चौरसिया जी, आप इस अभिषेक मिश्रा को जानते हैं? जी। कब से जान रहे हैं? बहुत दिन से, 10 साल हो गए। मतलब आप इसके फैमिली इससे मतलब इसको जानते हैं? हाँ। अच्छा, ये चाय क्यों बेच रहा है? हो गया, गरीबी है, फादर है नहीं, एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे। अब माँ है, एक भाई है छोटा, एक बहन है, तो हो गया परिवार। आपको नहीं लगता कि ये इतनी कम उम्र में बच्चा 8-9 साल से चाय बेचने लगा, और तो इसको एक सहयोग की ज़रूरत है, सरकार की ओर से सहयोग की ज़रूरत है? सहयोग की ज़रूरत है, गरीबी है, क्या करे, काम ना करेगा तो खाएंगे क्या? इसकी खास बात क्या आपको लगी? हो गया, लड़का ठीक है, दिन भर मेहनत करता है अपना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये यहाँ के वो ठेले वाले लोग थे जिनसे मैंने जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस बच्चे को कब से जान रहे हैं। 1-9 साल का बच्चा जिसकी उम्र पढ़ने लिखने की होती है, उसने किताबों की जगह हाथ में चाय की केटली थाम ली है। अब जो कार्य उसे पार्ट टाइम करना चाहिए था उसे वो फुल टाइम करता है, और जो कार्य उसे फुल टाइम करना चाहिए था वो उसे पार्ट टाइम में करता है। अब हम पहुंच चुके हैं अभिषेक की माँ के पास और उनसे करते हैं बातचीत। आपका नाम क्या है? सीमा मिश्रा। अच्छा, आप ये बताइए कि आप अपने इस बच्चे से चाय क्यों? सर, उनके पिताजी नहीं हैं, हमारे कोई सहारा नहीं है। अच्छा, आपको सरकारी पेंशन मिलती है, निराश्रित पेंशन? आज 2016 से बंद है। 2016 तो बोले सारा ही नहीं है। अब ये तो ये नगर निगम से क्या आपकी पेंशन बंद है? जी, अब पता नहीं, पोस्ट ऑफिस में मिलती रही सर, वहाँ से बंद हो चुकी। पार्षद के पास 3-4 बार गए, वो फोटोकॉपी के पैसे फोटो तो खींचे, बोले जाओ मिलने लगेगी, बैंक जाते कुछ नहीं मिलता। जनगणना 2011 के मुताबिक भारत में 5 साल से 14 साल तक के बाल श्रमिकों की संख्या 83 लाख के करीब है। ये है सरकारी आंकड़े, लेकिन वहीं वास्तविक में कुल बालिक श्रमिकों की संख्या 5 करोड़ के
करीब बताई जा रही है। सरकार द्वारा समय समय पर योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर सही तरीके से न होने के कारण बाल श्रमिकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और लाल वाली सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।